मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम. पता है मुझे कि बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आ रहा हूँ. एंड बीच में बिजी था, मम्मी भी आई हुई थी तो मम्मी घर गई एंड देन हाउस होल्ड वर्क्स, फिर माय रिजल्ट्स, फिर कॉलेजेस, ये सब करते हुए ठीक से मतलब गोप्रो ले लिया था मैंने एज पर माई प्रोमिस. मैंने हीरो 7 ब्लैक ले लिया ऑन विच आई एम ब्लॉगिंग राइट नाउ. माइक एडाप्टर सब ले लिया था, ब्लॉगिंग किट सब था, बट वो जो है माइक का सिस्टम है वो लाइक 2 to 3 days चला एंड देन पता नहीं क्या हो गया. अभी न्यू एडाप्टर के साथ भी टेस्ट करके देखा तो फिर भी माइक बोल रहा है कि नॉट अटैच्ड. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड माई GoPro. बट हम लोग आज मोटो ब्लॉगिंग के टाइम बात नहीं कर सकते बिकॉज मेरा माइक सिस्टम ख़राब है, तो उसमें तो सिनेमेटिक्स कुछ म्यूजिक्स डालूंगा. बट ये जो ब्लॉगिंग है ऐसा ब्लॉगिंग वाला चलता रहेगा. तो अभी मैं जस्ट उठाऊँ, सो लेट मी गो गेट फ्रेशन अप, थोड़ा कॉफ़ी पीता हूँ, फिर जाएंगे मीटअप पॉइंट पे एंड देन आई इंट्रोड्यूस यू टू माई न्यू फ्रेंड्स आज जिनके साथ आज मैं जा रहा हूँ. और मतलब दिस इज़ माई थर्ड राइड विद देम एंड फर्स्ट टाइम दे विल बी कमिंग इन माई ब्लॉग्स. तो आज का ब्लॉग में वो लोग आएंगे. उससे पहले हम लोग लवासा गए थे, लोनावला गए थे, बट मैं ब्लॉग बनाना चाहा बट देन बना नहीं पाया बिकॉज मूड नहीं था और माइक का भी कुछ सीन था. तो ऑफकोर्स मतलब जस्ट लिया हुआ था माइक, इतना खर्चा करने के बाद अगर इतना प्रॉब्लम्स आए वो भी 2 दिन के अंदर, देन ऑफकोर्स इट मेक्स यू फील डीमोटिवेटेड एंड या. तो फिर चलो कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेशन अप होते. सो आई एम कैरिंग एक्स्ट्रा पैंट शॉर्ट्स अगर वाटरफॉल मिला तो नहाने के लिए. ये जाएगा टॉप बॉक्स में और रेन पैंट अभी पहन लूँगा बिकॉज मेरा इस पैंट में रेन लाइनर नहीं है, बाकी जैकेट में सब है. सो हो गया, ग्लव्स भी अभी नहीं बिकॉज इट्स नॉट वाटर प्रूफ. चलो अभी रेन पैंट पहनते, करते कोल्ड स्टार्ट एंड देन निकलते हैं. वो तो करेंगे लोग. मजा आने वाला है आज बॉस. अरे मेरा ये जो पीछे का है ना, ये टॉप बॉक्स का कोई नट चुरा लिया किसी ने और मैं जब नीचे आया तो देखा इसका जो कोई छेड़खानी कर रहा था, इसका जो है ना ये ऐसे नीचे था, हाले बना हुआ था ये. चोरी कर दिया इस साला, ऐसे नहीं करना चाहिए. अभी ये थोड़ा निकल गया था अभी तो हम इसको अंदर रख दिए हैं. सो लेट्स सी इफ यू गेट एनी मैकेनिक अहेड, लगाएंगे फिर. क्या तुम लोग स्वैप कर रहे हो क्या? क्या? नहीं. मजा आ रहा है लेकिन बहुत.
रास्ता रास्ता सही हो गया। मुझे लगता है कि घाट सेक्शन शुरू हो चुका है। आगे तक शायद जस्ट चेक आउट द व्यू मतलब वेयर द हिल मीट्स द क्लाउड। वाओ दिस इज समथिंग ऑसम। अभी मैं रुका क्यों ये बताता हूँ कि मेरे पास माइक नहीं है तो विंड ब्लास्ट एंड एवरीथिंग, तो रुक के अभी थोड़ा व्लॉग बना रहा हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, ऐसा लग रहा है ना केदारनाथ आ गए हम लोग। उधर मंदिर ऊपर से इसका मैं सोचा ये मंदिर का घंटी है। ये दादा राइडिंग पे कंसंट्रेशन कर रहा है भाई। क्या कौन से नशे करके आए हो? अभी वो फुटेज और ये फुटेज मैं दोनों दूंगा। तो कुछ है ऐसे नज़ारे और मस्त, हम लोग मस्त मानसून का राइड का मज़ा ले रहे हैं। मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी हैव मोर वेज टू गो। अच्छे रोड भी आ रहे हैं, ऑफ रोड भी आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे रोड्स मिलने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अभी हम खाएंगे मैगी और भाई लोग उधर थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा अकेले व्लॉग बना लूँ तो इंट्रोड्यूस कराते सबके साथ। सो वी गॉट सम मैगीज, कुछ केक, अभी आधा खत्म हो चुका है, एकदम खत्म ही हो चुका है। उमेर का बर्थडे था, उमेर पार्ट टू का बर्थडे था भाई। थोड़ा बता दे भाई, इंट्रो कर दो भाई। क्या बोल रहे हैं भाई? और क्या बोलूं? ये भी उमेर। अभी पार्ट वन पार्ट टू कौन है ये बताओ। सो यू हैड मैगी, चाय और कांदा भाजी, थोड़ा सा वो बुलेट वाले दोस्त लोग, वो लोग यूटर्न ले लिए बिकॉज दे हैव सम वर्क। तो उमेर पार्ट वन और उमेर पार्ट टू ये मेरे साथ, हम तीन ही जाएंगे, फिर विल टेक लोनावला रूट। तब तक ये नज़ारे देख लो यार, क्या नज़ारे है यार, चुम्मश्वर क्या ही नज़ारे है। द व्यूज आर लिटरली टू एस्थेटिक टू वॉच। रोड्स आर परफेक्ट। दोस्तों बोला है कि यार मतलब आगे हम लोग को ऑफ रोड मिलेगा, सो लाइक दिस अ न्यू रोड राइट नाउ। तो अभी माइक में आई डोंट नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, विंड ब्लास्ट की वजह से भी शायद आई एम नॉट ऑडिबल। तो आज का राइड का टेस्ट में पता चला कि ये रिलायबल नहीं है, हम लोग को और थोड़ा भारी से पट्टी चाहिए है कि नहीं। सो दिस थिंग इज़ नॉट रिलायबल एंड वी नीड मोर थिक लेयर ऑफ
welding for this top rack to bear its weight. Yep. अच्छा वहाँ पता चल गया, अभी कुछ नहीं, एक साइड में है तो उसका सपोर्ट से जा सकते हैं हम लोग। सो फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द वाटरफॉल्स, और यहाँ से अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और मैं हेलमेट नहीं उतारूंगा, इट्स ड्रिजलिंग, इट्स एक्चुअली रेनिंग हैवीली। और बस कैसा लग रहा है भाई लोग ये बताओ। अरे भाई पीछे देख क्या नज़ारा है। सही है सही है। What riding today? What's coming so far? And I don't know whether my camera is doing the proper justice or not. But believe me, this is aesthetic. When you're on a ride, you don't end up going back home without taking pictures. So ये भाई लोग थोड़ा photo shoot कर रहे हैं, हम भी करेंगे, अपना भी time आएगा एक के बाद एक। लेकिन मैं अपना pose expose नहीं करूँगा, मैं अपना pose expose कर दिया तो ये लोग लेने लग जाएंगे, फिर बोलेंगे copy किया हम लोग ने। तो मैं अपना जो पोज है ना वो दूंगा तो ये भाई लोग भी सीधा हो जाएंगे, उमर तो सीधा हो जाएगा मुझसे, बोलेगा भाई क्या पोज है। अभी उमर बोलता हूँ तो दोनों ही देखते ऐसा क्या बात है। उमर भाई बोल रहा है कि आगे ऑफ रोड है तो जुगाड़ लगाना तो पड़ेगा ना भाई। तो आपका भाई सब कैरी करता है तो अभी उस हिसाब से अभी अपन लगाएंगे ये बंजी कॉर्ड। चलो आ जाओ मेहनत करते, यहाँ से लगाते हैं ना भाई, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। अरे सीधा है भाई, पकड़ एक तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा भाई, इसको कितना ट्रेन करेंगे, जुगाड़ फुल हो गया ना। अभी एकदम सोई है, अभी ये भोगेगा मस्त, इधर जोड़ देना चार। Western Ghat, you ride to hills and you get to see all this. और भाई जहाँ पे भी जाओ फोटोशूट चालू रहते हैं लोगों का। The best part about Western Ghat in monsoon is just by the roadside and you get to see all this. You don't have to go somewhere inside and trekking पे जाके कोई फायदा नहीं है, बस राइड पे आओ है कि नहीं, राइड पे आने का मजा लेने का। तो दैट्स ऑल, मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियोस बहुत ब्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा, बट एक चीज़ है, माइक रहता भी था आज ब्लॉग कर नहीं पाता बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड और माइक सेटअप लगा है तो वो वाटरप्रूफ नहीं रहता है। तो ओ भाई साहब क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है, कहाँ पहुँच गए हम, जन्नत ही जन्नत है बाबा, ये तो जन्नत है जन्नत। If my camera is doing the proper justice, you can see down there, there's a river flowing and there's a big lake. Amazing, amazing Western Ghats, amazing. Kya hi bataye? Turn it on.
wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Some of this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. घाट सेक्शन यहीं पे खत्म हो गया ना फिर? हाँ, फिर उसके बाद लोनावला के घाट लगेंगे या लोनावला का अपने को ऑफिस करना पड़ेगा? अच्छा, तो ये बस एक स्लोप है गाँव में, यहाँ से है बट आगे ना 3-4 सिटी क्रॉस करना पड़ेगा अपने को। फिर उसके बाद इधर से जाना है ना अपने को? रुकना है ना दूसरा रास्ता। अच्छा, फिर उसके बाद फिर से घाट लगेंगे। हाँ, ऐसे वाटरफॉल्स मिलेंगे क्या वापस? क्या मालूम नहीं। सही है भाई, मेरा माइक नहीं है ना, माइक होता ना तो सही से रिकॉर्ड भी होता, लेकिन माइक भी लगाता ना तो वाटरप्रूफ नहीं रहता। लोनावला ये साइड से जाते थे पहले, बट यहाँ पे ना रोड बहुत खराब है और 3-4 गाँव लगते बीच में, तो ट्रैफिक बहुत रहता है। ये भी, ये तो गिरने का चांस है इसको। नहीं नहीं, अपन पहुंच जाते हैं ना। उमर देखो ना तुम्हारे फोन। उमर तो नहा लिया पूरा। हमारा तुम्हारा कितने लंडी गिरे? तो फिलहाल अभी हालात ऐसा है कि ये जूता है वाटरप्रूफ, लेकिन कोई भी चीज़ 100% वाटरप्रूफ नहीं होता है। आज समझ में आ गया, पहले भी जानता था और आज भी समझ में आ गया। और सॉक्स भी सुखा रहे, अभी पानी निचोड़ निचोड़ के निकाल रहे। भाई थोड़ा पकड़ो, थोड़ा दिखाते सबको कि कैसे पानी निकाल रहे हैं। ये है हालात, ये है मॉनसून का हालात थोड़ा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, कुछ नहीं कर सकते। मॉनसून का मज़ा यही होता है कि भीगना है, भीग बारिश का मज़ा लेना। लेकिन बहुत मज़ा आ गया, क्या बोल रहे हो? अभी बाल पे मत जाओ, क्योंकि बाल मैंने तो साइज नहीं किया है, जैसे है वैसे रहने दो। थोड़ा मज़ा लेते हैं कि नहीं भाई? सबका बाल, ये लॉकडाउन इफेक्ट पे। तो चाय मंगाए क्या भाई? चाय भाई आओ ना थोड़ा। अरे शर्मा जी क्यों, कैसे लोग हैं भाई? वो मैं भी था पहले, बस बोलना है कि हम लोग किस रूट से जाएंगे। अभी हम लोग इधर से आए ना, इधर से आए और अभी जाएंगे यहाँ से लोनावला होकर के, और मैं खाली पैर घूम रहा हूँ इधर। ये है हालत अभी, पैर जूम नहीं होता है भाई। तो यही है रूट, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे, अपना थोड़ा छोटा सा एक स्टॉल है यहाँ से। रूट ऐसा, मतलब ये रूट है, ये नहीं, दिस इज़ अ स्मॉल स्ट्रीम। स्ट्रीम तो स्मॉल ही होता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे फिर अपहिल। अभी हम लोग अपहिल डाउन हिल गए, वापस यू टर्न लेकर हम लोग इस रूट से जाएंगे, देन लोनावला होकर के हम लोग निकलेंगे, देन पूना। थोड़ा ऑफ रोड कर लेते हैं, और पीछे का टॉप पोस्ट का हालत बहुत है गंभीर। बंजी कॉर्ड से पूरा टाइट से बांधा हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक टिकेगा ये, क्योंकि ऑफ रोड तो मुझे नहीं लगता कि ऑफ रोड जैसा है ना वो टिक पाएगा, मुझे नहीं लगता है। अच्छा हुआ कि मैं बंजी कॉर्ड कैरी कर रहा था, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट दैट आई वॉज कैरिंग द बंजी कॉर्ड। बाकी हालात से पता चलेगा, अभी जब तक ना लोनावला पहुँचे कुछ नहीं बता सकते। लोनावला पहुँचते ही वी कैन वर्क ऑन माई टॉप बॉक्स, और वेल्डिंग भी कर सकते हैं।
नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ मंजिल अच्छा, कुछ रास्ते अच्छे, तो वापस वही ऑफ रोड, इंसेन ऑफ रोड आ रहे हैं। इंसेन मतलब मेरे लिए तो फिलहाल अभी इंसेन ही है, बिकॉज दिस माई फर्स्ट टाइम ऑन नेब्यूला दैट मैं ऑफ रोड पैच पे आया हूँ। लेकिन उमेर तो भाई साहब वो R15 पे मेरा प्रॉपर, मैंने एडवेंचर के लिए मॉड किया है, स्टिल आई एम राइडिंग स्लो, और वो भाई साहब स्पोर्ट्स लेके आगे निकल गया। अरे मैं पहले क्या सोचा पता है, ये चीज़ जो है ना ये आसमान है, फिर अचानक देखा इसके पीछे वो पहाड़ है, अलग ही है भाई। आपका भाई R15 में ऑफरोड करते हुए, और मेरा टॉप बॉक्स का हालत देख लो आप लोग, ये देखो टॉप बॉक्स का हालत। चल मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं बोला। ए धीरे जा, टॉप बॉक्स टेढ़ा हो गया पूरा, धीरे जा, टॉप बॉक्स पूरा टेढ़ा हो गया। R15 में ऑफ रोडिंग ये अलग ही सीन है यार, मतलब यहाँ पे प्रेशर आता है, द प्रेशर मतलब पूरा बॉडी का प्रेशर है ना, इट कम्स ओवर हियर ऑन योर पाम। और ऑफ कोर्स एक स्पोर्ट्स बाइक है, मैं भी क्या बोलूँ। कितना किलोमीटर रह गया भाई? 29 मतलब ये 29 ऑफ रोड पैच है पूरा, ऑफ रोड पैच है, मतलब ऑफ रोड ऑन रोड भी आता है कभी कभी, वो अच्छे रास्ते भी आते हैं। सो ऐसे कुछ सीन है, दिस आर फ्यू सीन्स ऑफ अ लिटिल पैच ऑफ ऑफ रोड, मोस्ट प्रोबेबली विल गेट सम मोर ऑफ रोड अहेड, देखते हैं। अभी फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ इधर, ये लोग का पता नहीं, ये लोग तो बोल रहे ऑफ रोड है, और भी अभी कितना इंसेन होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ऑफ रोड करना है बाबा। अभी R15 पे स्पोर्ट्स पे ऑफ रोड करने का अलग ही मजा है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है सनी पाजी के साथ, तो लास्ट टाइम आया था तो ये पूरा सूखा हुआ था, और जैसे मैंने बताया कि बारिश का मौसम में पूरा ये मतलब पानी पानी हो जाता है, अभी धीरे धीरे भरने लग जाएंगे, अभी और भी बाकी है, ये पानी तो इतना थोड़ी होता है, और भी रहेगा पानी। If you haven't seen that vlog, जाओ देखो, नहीं तो थोड़ा सा क्लिप डाल देता हूँ, देख। Got done with my welding thing, electric welding किया, उससे पहले था ये गैस वेल्डिंग, और किया अपना धीरज भाई ने, अपना दोस्त हर जगह। धीरज भाई को फॉलो करना इंस्टा पे, थैंक्स भाई। और ये टूटा, और मुझे भी आना था लोनावला, फिर याद है कि मिल के जाता हूँ, फिर इसका भी काम हो गया मस्त से, एकदम वेल्डिंग हो गया इसका। सो इफ यूर stuck somewhere in Khandala or Lonavala side, तो do make sure यहाँ पे आओ, धीरज भाई को contact करो, DM करो। सबसे important चीज़ जिसके लिए हम लोग आए यहाँ पे actually, ये देखो ये जो बंदा है ना, अलग ही level का बंदा है भाई। helmet किधर है तुम्हारा? helmet है भाई, पहले चला के तो हाँ, थोड़ा गर्म करोगे ना, warm up, let me drive first। अभी दिखाते हैं थोड़ा इनका stunts, till then enjoy this shot। We'll be right back.
ऑल्सो डू मेक श्योर दैट इफ यू आर डूइंग स्टंट्स, पहले प्रोफेशनल बन जाओ इसका जैसा, फिर करो, क्योंकि डूइंग दिस बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और इसने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये स्टंट्स किया है, उसको देख के मेरा एड्रेनल रश हो रहा है। सो गाइस, फाइनली जो आपने देखा वो सब प्रॉपर सेफ्टी गियर में और हेलमेट के साथ करिए। पूरा दिन एडवेंचर का चक्कर में हम लोग खाना भूल गए, तो लास्ट में जाके याद आया कि हम लोग कुछ नहीं खाए, तो अभी मंगाए हमने मिसल पाव और वड़ा पाव थोड़ा सा, फिर खा के सीधा घर जाएंगे। सो डन विथ आवर मिसल पाव, वड़ा पाव जो भी एक खा चुके अभी। तो भाई ब्लॉग को यही एंड करते हैं। एडवेंचर था आज, बहुत मस्त था। R15 में भी एडवेंचर कर दिया मैंने, अलग ही है। So that's it for today. Thank you for watching this vlog. Ride out, ride safe, ride to learn, explore, adventure in you.